घर आप देख लीजिए, ये है अंजलि का घर। जी हाँ, ये अंजलि का घर है। इसी घर में अंजलि जो है अपने पति, अपने देवर, अपनी सास के साथ जो है इसी घर में रहती थी। और किस तरह से आपको दिखाना चाहूँगी, मैं आपको एक बार दिखा भी दूँ कि जैसे कि यहाँ पर जानकारी मिली है कि अंजलि द्वारा ही हत्या की गई है। तो ये घर आप देख लीजिए, इस घर को ध्यान से देख लीजिए, इस घर में ही वो रहती है। और साथ में, जी हाँ, ये साथ में ही आपको बता दूँ, ये है जस का घर, यानी कि दीवार बिल्कुल अटैच है इसके साथ, और बिल्कुल जो है ये घर बिल्कुल अटैच है। वहीं आपको दिखाना चाहूँगी, ये छोटी सी एक गली यहाँ से जा रही है, ये देख सकते हैं, ये एक पूरी गली सी है। ये जसोर के घर का गेट है, यानी कि ये जसोर के घर का गेट है, और यहाँ से निकल कर ये जाता है अंजलि के घर को रास्ता। और ये जो है एक कमरा यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर जो है अंजलि अपने पति, अपने देवर, अपनी सास के साथ यहाँ पर रहती है। और अगर जिस तरीके से बताया गया है कि अंजलि के द्वारा ही जो है उस बेटे की, मासूम जस की हत्या की जाती है, जो फ़ोन का डाटा केबल होता है उसके द्वारा उसके गले को घोट कर, जैसे कि जानकारी मिली थी कि जो जस है वो अंजलि के पास हमेशा ही गेम खेलने के लिए आया करता था। तो उस दिन की तरह भी, जैसा कि जानकारी मिली कि उस दिन की तरह भी वो गेम खेलने के लिए अंजलि के पास आया था, तो एक जो दीवान होता है, बेड होता है, उस पर वो उल्टा लेट कर जो है अपने फ़ोन, उसके फ़ोन में गेम खेल रहा था। और पता लगा है कि पीछे से जो है अंजलि ने जो वायर थी उसके गले में, जी हाँ, उसके गले में वायर से जो है उसका गला घूंट दिया, और फिर जो है उस शव को उस बेड के अंदर छुपा कर रख दिया। एक बेड इनके घर में है, उस बेड के अंदर छुपा कर रख दिया। फिर बड़े सवाल ये खड़े होते हैं कि जब आप ये देख लीजिए एक बार, फिर मैं दिखाना चाहूँगी, ये जो वो घर है यहाँ से निकल कर ताऊताई का रास्ता भी मैं दिखाऊंगी, जहाँ पर जो है शव मिला है। और सामने देख सकते हैं, जैसे कि ये देख लीजिए, ये जो सामने है ये वो टीन है जहाँ पर शव अगले दिन सुबह लगभग 5:30 बजे जो है यहाँ से बरामद किया जाता है। तो अब आगे बढ़ते हैं, और बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं सभी के मन में, ये सवाल आ रहा है कि अंजलि यहाँ से निकलकर, जबकि यहाँ पर पूरा जो है पुलिस का पहरा था, पुलिस की तैनाती थी, यहाँ से निकल कर अंजलि आती है, अंजलि जो है एक बैग में, जी हाँ, जस के शव को जो है एक बैग में लेकर आती है। और ये देखिए, यहाँ तो वो नहीं फेंक सकती है, देख लीजिए ये टीन है, यहाँ तो वो नहीं फेंक सकती है, फेंकने में नाकामयाब हो जाती है। तो फिर यहाँ इस गली का इस्तेमाल करके, ये छोटी सी गली आप देख लीजिए, इस गली का इस्तेमाल करके उसको इतनी दूर चलना पड़ रहा है, जितनी दूर मैं चल रही हूँ इतनी दूर जो है आप देख सकते हैं, यहाँ तक आप देख लीजिए, यानी कि वो डिस्टेंस आप देख लीजिए, कम से कम ये 30 कदम तक का जो है डिस्टेंस ज़रूर होगा। वो सामने बिल्कुल आपको दिख रहा होगा, वो सामने जो है जिसका घर है उसके बगल में अंजलि का घर है, वो भी एक गली सी बनी हुई है, और यहाँ से निकल कर इतना डिस्टेंस कवर करके यहाँ आना है। और जानकारी मिली है कि वो अपने बैग में उस बेटे को लेकर आई है, जी हाँ, उस बैग में बेटे को लेकर आई है। फिर जो है हालांकि इस घर में भी परिवार वाले सभी मौजूद थे, जी हाँ, इस घर में भी जो है परिवार वाले सारे मौजूद थे। फिर वो इस घर में एंटर होती है, अगर वो इस घर में एंटर हुई है तो बड़े सवाल ये भी खड़े होते हैं कि आखिर किसी को पता नहीं चला कि वो उस बैग में क्या लेकर आए हैं। तो आप देख सकते हैं, जैसे कि जानकारी मिली है कि वो बैग के ज़रिए जो है ये पौड़ियों का इस्तेमाल करती है, सीढ़ियाँ आप देख लीजिए इस घर में, ये है राजेश की पत्नी यहाँ पर रहती है, राजेश की माँ यहाँ पर रहती है, राजेश के 2 बच्चे इसी घर में रहते हैं, और ये राजेश का घर है, यानी कि जस का जो ताऊ है उसका घर है ये। तो ये घर भी देख लीजिए यहाँ पर, हालांकि आप देख सकते हैं पुलिस ज़रूर तैनात कर रखी है। और ये वो 2 कमरे हैं यहाँ पर जो है वो रहा करते थे, और किस तरह से देख लीजिए यहाँ, मतलब जितनी हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ कि ये पौड़ियाँ जो है यहाँ से इस्तेमाल की गई होगी। मैं ऊपर जाकर भी आपको ज़रूर दिखाऊँगी, ये देख लीजिए यहाँ से, मतलब आप समझ सकते हैं, एक लगभग 4.5 से 5 साल का बच्चा एक बैग में, जो कि जिसकी हत्या कर दी गई है उसको एक बैग में अंजलि ने रखा, और अंजलि उसको इन पौड़ियों के ज़रिए, इन सीढ़ियों के ज़रिए ऊपर लेकर आई, देख सकते हैं ऊपर लेकर आई होगी। और बताना चाहेंगे, न जाने इस पूरी छत में कहाँ जो है उसने उस बैग से निकाल कर जो है जश के शरीर को यहाँ पर रखा होगा। तो आप खुद समझ सकते हैं, अंजलि की हमने आपको फ़ोटो दिखाई है, 2 महीने की गर्भवती अंजलि बताई जा रही है। और मैं एक बार फिर दिखाना चाहूँगी, ये देख लीजिए, ये जो सामने डिश टीवी जो लगा हुआ है वो जो है
अंजलि का घर है वहाँ पर सामने, और महज एक ही कमरा है, एक ही कमरे में जो है ये पूरा परिवार रहता है। वहाँ से निकलकर अंजलि बैग में उस बच्चे को लेकर आती है, और लेकर आने के बाद इन पौड़ियों से वो छत पर आती है। छत पर आती है तो यहाँ जो है इस पूरी लोकेशन में कहीं पर जो है उस शव को रख दिया जाता है। फिर उसमें जो है एक नई चीज़ ये निकल कर आती है कि जो ताई व दादी, जी हाँ ताई और दादी ने उस बच्चे को उठाकर, ये देख लीजिए ये वो टेन है, यहाँ पर फेंक दिया। तो आप इस बात में आपको क्या लगता है, कितनी सच्चाई इस बात में आपको लग रही है? आपको लगता है क्या अंजलि अकेली आई होगी? क्या अंजलि के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस जो है यहाँ पर चारों तरफ तैनात थी, क्योंकि बेटा घर से गायब हो गया था। सबके मन में एक ही सवाल था कि बेटा कहाँ गया है, किसी को भी रात भर नींद नहीं आई है। तो ऐसे में अंजलि ने इतनी हिम्मत दिखाई होगी कि अपने घर से जो है एक बच्चा, अपने घर में जो है बुलाकर एक बच्चा मार भी दिया, और मारकर उसका शव अपने घर से कितने शातिराने तरीके से बैग में डालकर, कहीं ना कहीं फिल्मी स्टाइल नहीं लग रहा आपको कि अपने बैग में जो है डालकर इस छत पर लेकर आ गई, ताकि मुझ पर कोई शक ना करे, और मुझ पर कोई शक ना करे यहाँ पर आकर जो है वो बैग में से बॉडी को निकाल कर रख भी देती है, और खुद बैग लेकर यहाँ से चली जाती है। तो आपको क्या लगता है इस बात में, आपको कितनी सच्चाई लग रही है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए। मैंने आपको घर दिखाया है कहाँ से शुरू होता है और कहाँ आकर ये पूरी की पूरी जो स्टोरी बताई गई है, जिस चीज़ की पुष्टि की गई है इस जस हत्याकांड में, एक महिला जो है गिरफ्तार की गई है जो कि महज जस की चाची है। ताऊ ताई व दादी पर शक के आधार पर उनको हिरासत में लिया हुआ है, ना अभी तक जो है इसमें कोई और की पुष्टि हुई है। लेकिन पूरे परिवार का, पूरी दुनिया का एक ही सवाल है कि अंजलि जो है वो अकेली इस हत्या को अंजाम नहीं दे सकती है। आपको भी यही लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप सभी से अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा कि किस तरह से एक महज 4 से 5 साल के बच्चे की जो है निर्मम हत्या कर दी जाती है। फ़ोन के डाटा केबल से उसके गले को दबाया जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, फिर उसको जो उस शव को अपने बेड में रखा जाता है, और फिर उसके बाद जो है इनके घर पे, यानी कि ताऊ ताई के घर पर ले जाकर रख दिया जाता है। और पुलिस की चारों तरफ तैनाती थी, पुलिस जो है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पुलिस उस दिन यहाँ पर मौजूद थी। और जिस दिन हत्या की, बताना चाहूँगी, जिस दिन उसको किडनैप किया गया था उसी दिन जानकारी मिली थी कि उसी दिन उसकी हत्या भी हो गई थी। और पहले जो है ये लिंक किया जा रहा था कि गाँव में कुछ बाबा घूम रहे हैं, उनके द्वारा जो है किडनैप कर लिया गया है बच्चे को। तो आपको बताना चाहूँगी अब इसमें ये पुष्टि हुई थी कि जो अंजलि थी उसके द्वारा किडनैप भी किया गया था, उसकी हत्या भी अंजलि के द्वारा ही की गई है। और बड़ी बड़े सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब एक ही घर में इतना बड़ा परिवार रहता है, चलो मान लिया कि उसका पति घर पर नहीं होगा, उसका देवर घर पर नहीं होगा, तो उसकी सास तो घर पर ही होगी। उस टाइम पे सुबह का टाइम था, सुबह 5:30 बजे जो है बेटे जश की बूढ़ी पड़ोस की टीन से मिलती है, तो ऐसे में सुबह उसकी सास तो उसके घर में होगी, उसको तो पता लगा होगा कि उसकी बहू क्या कर रही है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? मैं आप सभी से अपील करूंगी कि इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और लगातार हमारी खुद की ये मुहिम है कि जस को जो है जल्द से जल्द इंसाफ मिल सके। आप हमारे साथ इस मुहिम में ज़रूर जुड़ सकते हैं। आप सभी से अपील करूंगी कि नीचे कमेंट बॉक्स में जस्टिस फॉर जस लिखना बिल्कुल भी ना भूले। जी हाँ, उस बेटे को इंसाफ दिलवाना है, और अभी तक जो है ये गुत्थी सोल्व नहीं हुई है, क्योंकि कारण ही नहीं पता लग पाया है। कारण ये नहीं पता लग पाया है कि चलो जैसे कि परिवार का कहना है, चलो मान लेते हैं अंजलि ने हत्या कर दी, लेकिन ये तो बताओ कि किस लिए, क्यों हत्या की है, इस क्यों का जवाब कौन देगा? पुलिस वालों से भी जो है आज हमने बातचीत करने का प्रयास किया था। कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर SP गंगाराम पुनिया जो है खुद पहुँचे थे, सीन रिक्रिएट यहाँ पर करवा कर देखा गया था। हालांकि अमन जो कि जस का चाचा है उसके द्वारा बताया गया है कि वो जो सीन रिक्रिएट किया गया था वो बिल्कुल फेल हो गया था, क्योंकि उनके द्वारा वो बच्चा का जो वेट ईंटें यूज़ की गई थी
तो वेट वो उठाने में असफल रहे थे, तो कहीं ना कहीं जो सीन रिक्रिएट कराया गया था वो फेल हो गया था। तो आप समझ सकते हैं आप आपको क्या मानना है। हालांकि परिवार का ये भी कहना है कि इस मामले में CBI जांच भी ज़रूर होनी चाहिए। आप सभी से अपील करूंगी, इस खबर को देखिएगा, इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा।